हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक विद अ अनदर वीडियो ऑफ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वीडियो सो लेट्स बिगिन तो इस वीडियो में बात कर रही कुछ कुछ अपडेट्स आप लोग के लिए आ रही है बहुत बड़ी अपडेट्स है आप लोग के लिए यू कैन से और अगर आपके पास कुछ अपडेट्स है इनफॉर्मेशन है आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे पर्सनली पिंक करके टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर अपना अपडेट्स इनफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो सो लेट्स बिगिन सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है फ्रॉम द टी सी एस दैट एक कैंडिडेट से अपना एक्सपीरियंस शेयर कराया ड्यूरिंग देर आई एल पी ट्रेनिंग हेलो सर मेरा आए पी ट्रेनिंग हैदराबाद टी सी एस सैनरजी पार्क में फोर्टीथ मई 2024 को कंप्लीट हो गया हमको असाइनमेंट लिखाया गया कुछ लोग असाइनमेंट में फेल हो गए तो एंड ऑफ द डे फोटी फोर को हमसे रेजिग्नेशन लेटर लिखाया गया ड्यू टू पर्सनल रीजन क्या टीसीएस में असाइनमेंट फेल होने में ऐसा होता है डेफिनेटली देखो टीचीएस या कोई भी कंपनीज में अगर आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो इफ यू फाउंड दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पर्टिकुलर प्रोफाइल देन आप लोग को यहाँ पर कंपनी निकालते टीचीएस में ऐसा ज्यादातर देखने को नहीं मिलता अगर आप लोग ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको तीन ऑप्शन वो देते हैं असाइनमेंट क्लियर करने के लिए पहला पहला आपका मिलता है उसका तो आपको फिर से आई थिंक टेन टू ट्वेल्व डेज का ट्रेनिंग मिलता है दिन आपका थर्ड आपको अटैम्प्ट मिलता है तो एक बार में ट्रेनिंग फेल होने के बाद आपको कंपनी निकालती नहीं है टीचर में एक काफ़ी बड़ी बात है बट हाँ अगर आप लोग कुछ अलग एक्टिविटीज़ में पकड़ाते हो लाइक चीटिंग वगैरह करने में या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी में पकड़ाते हो अगर आप लोग को अगर आपके एचआर को लगता है कि आप में बिल्कुल भी वो कैपेबिलिटीज नहीं है तो आपको फर्स्ट ट्रेनिंग में भी निकाल सकते हैं यू नेवर नो बट मेक श्योर करना कि आप लोग ट्रेनिंग अच्छे से कम्प्लीट कर रहे हो प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो ठीक है और ये बहुत बड़ी अपडेट थे फॉर दी फ्रॉम द टीसीएस ओके तो डरने की बात नहीं है अगर अच्छे से कंप्लीट करो टीसीएस जल्दी निकालती नहीं है है बट हाँ आप लोग को चांसेस देती है निकालती है, आप लोग को एक बार में नहीं है प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखना ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर सेंचर के इंटर्नशिप को लेकर हमारे पास कुछ अपडेट्स अवेलेबल है एक सब्सक्राइबर्स द्वारा शेयर किया गया है ठीक है आई डिड इंटर्नशिप इन एसेंचर आरम बैच आफ्टर थ्री मंथ ऑफ ट्रेनिंग इंटर्नशिप I have interview for full-time employed uh, employment and it was on 16th November after that 17th January directly they send me task mail and 30th January reactivation and 6th my workday profile mail but still that document not approved which has been submitting on Indian campus task mail by Accenture then what about the new process? Uh, Workday profile after creating account, how much time it will take for the next process or what will the next update? I can expect, yeah. One more thing whenever I am mailing to HR, they are replying that they are generating your offer letter. Will be give update soon from the last five minutes they are giving the same reply. See, definitely, Accenture will give update you because they have recently completed your internship and once they.

यू हैव टू वेटेट अनटिल दे सेंड यू ऑफर लेटर आप मेल करोगे कोई रिस्पॉस नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक एसेंजर के पास इंटर्न लेवल की रिक्वरमेंट देखने को नहीं मिलेगी आपके पास ऑफर लेटर नहीं आएगा मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ हमारे कॉलेज के समय में उनके पास जो है ऑफर लेटर देखने को मिले थे आफ्टर एट मंथ ऑफ कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप तो येस यू कैन वेट अनटिल देंड यू एनी अपडेट्स और एक बार पास ऑफ लेटर आ गया तो आप लोग इंटर्नशिप कम्प्लीट कर सकते हो कुरने के मतलब आप लोग का फुल टाइम देखने को मिलेगा तो ये आप लोग प्लस ध्यान में रखना क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है आपको वेट करना पड़ेगा ठीक है इस चीज़ को लेकर नेक्स्ट एसेंचर की लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ठीक है इंट्रोडक्शक्सन प्रोजेक्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट विद टीम हाउ टू सोल्व बग इन इन इंटर्नशिप दट्स इट कैंडट नंबर टू टूड वॉज माई इंटरव्यू एट फोर्टी पी एम दैन इंट्रोड्यूस हमसेल्फ माई इंट्रोडक्शन अबाउट द सर्टिफिकेट एक्सप्लेन प्रोजेक्ट वाट वाट यू हैव लर्न इन इंटर्नशिफ फेवरेट सब्जेक्ट आई से डी वी एम एस दैन ही आस्क मी टू एक्सप्लेन एक्सप्लेन एस इड प्रॉपर्टीज एंड फाइनली यू हैव Some questions so I asked uh, I asked is there any chances uh, in changes in requirement process they said no. okay. Next. This is for Tech Mahindra, opportunity or availability, uh, thank you for your interest in Tech Mahindra face evaluation process, we appreciate the time and effort you invested in completing the evaluation process. We are reaching out to you to check your ability for the onboarding process, in that regard kindly fill the required details from below to submit the daily fields form by on before 13th May. Please ensure that the information provided by you is correct as per the information they should processing the candidate further. So do you have any question or oh, this is for the onboarding process from the Tech Mahindra who recently completed their uh, evaluation process and done with the interview. And this is the latest updates you can say. And this is the process for essential requirement T, uh, session currently requirement which are hiring for the role of SAS and PADA role and see. Once you apply, you will going to receive your uh, WhatsApp message and mail that uh, we you are qualifying uh, the uh, eligibility criteria of the uh, censure. And after that, you are going to receive congratulations, you have moved ahead in our recruitment process. And after that, you are going to receive direct hiring mail. And then after you are going to receive the, once receive this kind of mail, within a one or two weeks, you are going to receive this as choose your assessment versus assessment slot. And after that, you are uh, choosing your slot. And that before your assessment, one day or 17 or 14 hours before, you are going to receive your assessment. As well, okay, and this is the latest requirement process which they are going to currently they are hiring for SASA and PADA role on 17th and 18th uh, 17th and 18th of May. Means tomorrow and yesterday after tomorrow, uh, there will be exam for SASA. Most of the, the, most of the candidates are from SASA role, who, who is going to give the exam, and some of the PADA because currently they are changing the role. Some of the candidates who selected SADA, SASA, they are getting PADA, and who, who choosing the PADA, they are getting the SASA. You never know, but yes, both role you can say same, almost same, but yes, salary package is different. बट अगर आप टिकट ट्रेस करोगे उनके पोर्टल पर जाकर वो बोलेंगे सासा पाडा बोथ आर सेम बोथ आर नॉट सेम सासा का पैकेज थोड़ा सा कम होता है थ्री पॉइंट फोर फोर और पाडा का फोर पॉइंट सिक्स समथिंग होता है तो आप लोग इस हिसाब से देख सकते हो तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है सो आई थिंक थिंट्स इट फर्स्ट वीडियो कुछ मेटर पूछ ला, ला हिंद जय भारत